Hello people, we are here in Barshangar and look at the views of Barshangar. It's an amazing day today. Look at this. So today we're going to stay in that green cottage, if you can see in the last, and we will inaugurate it. Actually, it's very newly built, so hum wahan jayenge, bonfire karenge, stay karenge wahin pe, aur wo hai Shangarh meadow. Amazing, right? Enjoy the views of Barshangar. So Barshangar ye basically GHNP eco zone mein hai, aur yahan se aap jaise hi upar jate hain to sabse pehle hame milta hai ek station, Sara Lake, which is at around 9000 feet ASL. और सारा लेक के बाद मिलता है हमें शुंगा टॉप. यहाँ से नहीं दिख रहा, इस पहाड़ का टॉप है वो. सो यहाँ पे स्नो ट्रैकिंग होती है जनवरी टू मार्च, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे तो नहीं, कल दिख रहा था यहाँ पे स्नो, बट अभी धूप पड़ गई है अच्छी, पर ऊपर स्नो मिलेगा. सो इफ़ यू वॉन्ट टू डू सम स्नो ट्रैकिंग फन इन द हिमालयाज, देन कम टू शांगर और बरशांगर. सो बरशांगर हैज़ नॉट मैनी स्टेज एज ऑफ नाउ, बट दिस इज़ अ होम स्टे. Few are under construction outside the village, and one is that cottage where we will be going today. So there are going to be some more fun today. Keep watching, stay tuned. तो चल दिए हम आगे की तरफ, उस ग्रीन वाली कॉटेज की तरफ. सनसेट शुरू हो गया है लगभग, तो जल्दी से पहुंचते हैं उस कॉटेज पे पैदल पैदल, और दिखाते हैं वहाँ से आपको आज का सनसेट, जो मेरे ख्याल से होने वाला काफ़ी खूबसूरत. वो चला गया रिंकू. अच्छा, कहाँ जा रहे? उधर जा रहे कॉटेज पे. पारे होनी ठंड बड़ी भारी. कोई नहीं, आग उग जलाएंगे. ये क्या बना रहे आप? पट्टू. पट्टू कब जा रहे आप भी? करते उद्घाटन उधर. ये थी रिंकू की मदर, और ये बना रही थी यहाँ का ट्रेडिशनल परिधान पट्टू, जो ठंड से बचाता है महिलाओं के लिए. और अभी चलते हैं हम आगे की तरफ. वो खड़ी है हमारी आर्मर. थोड़ी सी बर्फ है इधर, इसलिए मैंने ट्रैकिंग शूज़ पहने हुए. सो अभी हम चल रहे हैं शांगर रोड के आखिरी पॉइंट पे. यहाँ पे आके ये मोटरेबल रोड ख़त्म हो जाता है. सो दिस इज गुड इनफ फॉर लाइक एनी काइंड ऑफ व्हीकल इफ द ड्राइवर इज गुड, एंड आई हैवन फॉर राइडर्स, दे वुड लव दिस ट्रेल. सो इसे बोलते हैं बरशांगर टैक्सी स्टैंड. हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे गाड़ी बैक होती है और पार्क भी कर सकते हैं. एंड ऊपर है बरशांगर विलेज,
सामने दिख रहा है यहाँ के देवता का टेंपल, जो है शरू नाग जी, जिनका नाम है शरू नाग। और दोस्तों ये एल्कोहल फ्री विलेज है, एल्कोहल इज प्रोहिबिटेड हियर, सो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट दिस प्लेस। सो पहुँचते हैं उधर उस कॉटेज पे। मेरी थोड़ी सी सांस फूल गई, तो ये अभी अभी चल नहीं हूँ मैं ट्रैकिंग के, दो साल से बंद है। बट लुक एट द व्यू, अमेजिंग राइट। सो दिस इज बर्शांगर विलेज एंड वी आर गोइंग हियर। And we need to go that side. So the green roof is our safe for tonight. I don't know if I have taken the right path or not. Okay, I think I've taken the right one. So this is the last stretch of our small trek today. Bit tricky. Okay, here it is. We're thinking about a name for this cottage. We are gonna build some more here as well. That is their kitchen. And this is the view from here. ...360-degree view almost. So वो है थीनी, थीनी टॉप, विच इज लाइक 11,500 फीट अबव सी लेवल। एंड देन बिहाइंड दीज रेंजेस, somewhere behind that is Shunga top, which is 12,500 feet above sea level. So this particular village is the gateway to the highlands of Great Himalayan National Park. So this village itself, which is called as Barshangar, is at a height of almost 6,500 feet ASL. And everything above is above only. So, सारी 10,000 अराउंड की पीक्स मुंह पे रखी हुई हैं यहाँ पे। एंड हियर वी आर एट दिस ब्यूटिफुल कॉटेज। सो लेट्स चेक इट आउट। सनसेट हो गया ऑलमोस्ट, और ये लैंड है वहां तक। सो ये है पहली, यहाँ पे बनेंगी बहुत सारी और ऐसी कॉटेजेस।